नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ वीडियो के माध्यम से ना दे करके टेलीग्राम चैनल पे ही बता देते हैं। और हमारा जो मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसका बहुत आखिरी समय चल रहा है, हम उसी टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल भी देंगे एक दिन पहले कब वो बंद होने वाला है। उसके बाद उसमें किसी की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम जब एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर एंट्री करने पर कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं अपने न्यूज़ को लेकर। जिनको भी न्यूज़ मेरी अच्छी लगती है वो न्यूज़ सुन लिया करें, जिनको ना अच्छी लगी वो न्यूज़ मेरी अच्छी ना लगा करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और उन्हें हम पसंद नहीं है तो हमारी न्यूज़ को ना देखें। ये मेरा चैनल है, ये मेरे परिवार हैं, मैं डिसाइड करूँगा मेरे परिवार में कौन से सदस्य रहने वाले हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है। और कुछ 2-1% जो लोग हैं जो निगेटिव हैं, जिन्हें लगता है कि फर्जी न्यूज़ डाल रहे हैं क्या कैसे, मुझे पता है कि मैं कैसी न्यूज़ डालता हूँ। मेरे हमारे अपने लोगों को भी पता है कि मैं क्या बोल गया और वो समझना है वो समझ भी गए, ठीक है। और जो निगेटिव बोलते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग स्वतंत्र लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की गोपनीयता नहीं भंग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो आप हमारे न्यूज़ को मत देखिए, आप किसी और की न्यूज़ को देखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। हमारा न्यूज़ जो काम था हमने कर दिया था कुछ दिन पहले ही। 26 सितंबर को भी मैंने एक न्यूज़ दी थी, आप सभी लोगों को बताएंगे, उस दिन भी कहा था मैंने दिसंबर में होगा। मैं उस थंबनेल को भी आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरी एक वीडियो थी जो कि 2 सप्ताह पहले, ये एक वीडियो है जिसपे 29,000 लोगों ने देखा है और इस पर डेट भी पड़ा हुआ है 26 सितंबर का ही, आप देख सकते हैं ये डेट भी पड़ा हुआ है। 26 सितंबर को ही बता दिया था, अब दिसंबर में हो गया है फैसला सारी चीज़ें। फिर बीच में चीज़ें थोड़ी सी घुमाव फेराने लगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा दिसंबर ही मान के चलना। पर्सनल लोगों ने मैसेज कहा दिसंबर ही मान के चलना, किसी प्रकार से मैंने नहीं कहा कि किसी जगह पर और परिवर्तित होने वाला क्या कैसे है। यहाँ तक कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला कि आप सभी लोग इतना भ्रमित मत होइए, मैंने तो न्यूज़ ही देना बंद कर दिया, कोई भी न्यूज़ फिर उसके बाद नहीं दिया मैंने। मैं टेलीग्राम पे डालता रहा कि आप सभी लोग यूट्यूब डिलीट कर दो और अपने पढ़ाई में लगे रहो, मन ना लगे तो अभी त्यौहार का समय या कहीं घूम टहलाओ, थोड़ा सा मन लग जाए, उसके बाद 8 तारीख के लिए परीक्षा की तैयारी करो बस अच्छे से, ठीक है। बाकी कल से ही आप सभी लोगों ने देखा नोटिस वोटिस सारी चीज़ें, बहुत दिन से ही क्लियर थी सब कुछ, मैंने आपको बताया लगभग लगभग किस पे क्या जाता है, जोर असर था वही चीज़ें मैंने आपको बोल के एक बार फिर बंद हो गया था। उसमें से मेरे पास जीवन में कभी किसी ने कोई निगेटिव, एक बंदे ने मुझे कॉल किया, निगेटिव मैसेज किया था, निगेटिव कॉल पर गाली वाली नहीं दी थी लेकिन शब्दों की जो मर्यादा थी वो सही नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि हम कोई बउआ हैं, छोटे से ऐसे करेंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी, हाँ है ना। हमारा तो काम है आपसे सूत्रों से अपडेट देना, कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं, हिंट देना, आपको समझना है, आप समझदार हैं समझिए, है ना। अभी आप आयोग के पास ही जाओगे तो कहेगा मैंने दिया है कि ऑफिशियल नोटिस आप उन लोग की मान रहे हो, है ना। और वो ऐसे हमको चीज़ें, मतलब उन्हें लग रहा था हम बउआ हैं क्या कैसे, बहुत सी चीज़ें मैंने सोची उनके विषय में, अता पता सब निकलवा लिया था यादव जी का, लेकिन वही है कि हम क्या बहुत सी चीज़ें सोची हमने, हम क्या छात्र लोग हैं, ऐसा नहीं, हम भी छात्र हैं, सब लोग छात्र हैं, और ऐसा क्या मैं रिवील कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमने कहा छोड़ो इग्नोर करते हैं। और उन्हीं के चक्कर में बहुत से अच्छे लोगों का भी मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया और उसके बाद मैसेज देखना बंद कर दिया। मैसेज तो अपने लोगों का जितने जुड़े थे, जो आ रहे थे, जो काफ़ी मेरे अच्छे शुभचिंतक भी हैं, उन सभी लोगों का देख ही रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम पे मैं लगातार अपडेट दे ही दे रहा था आप सभी लोगों को, वीडियो के लिए मुझे पता था कि वीडियो दूंगा तो काफ़ी भ्रामकता फिर फैली रहेगी दिमाग में, समझदारी की थोड़ी सी लेवल कमजोर हो गई है कुछ लोगों में, तो मैं लगा जाने देते हैं। हमारे अपने लोगों के लिए तो मेरा टेलीग्राम ही काफ़ी दे ही दे रहे थे तो, और इस पर भी यूट्यूब पर भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने वो भी वीडियो के माध्यम से हिंट से समझ गए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे आज नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और एग्जाम को लेकर के, साथ ही में एग्जाम का 7 और 8 दिसंबर के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले आज का है ये न्यूज़पेपर, जिसमें ये बताया गया है कि आप सभी लोग को 50 जिलों के DM को पत्र लिखकर उपलब्ध केंद्रों की सूची मांगी है, आयोग औपचारिक रूप से अगले हफ्ते नई तारीख का ऐलान कर सकता है। आयोग के सचिव जी हैं जो बताते हैं, बृहस्पतिवार को परीक्षा केंद्र वाले जिलों को भेजे इन पत्र तारीखों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। PCS प्रारंभिक परीक्षा जो कि 26-27 अक्टूबर प्रस्तावित थी, कहिया प्रस्तावित थी 26-27 अक्टूबर को, 27 ही तो बताया बस गया था ना, लेकिन ठीक है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र के सही होने की पुष्टि आयोग के एक अधिकारी ने भी की है। पत्र के मुताबिक परीक्षा 2 पालियों में होगी, पहली पाली 9:30 से 11:30, दूसरी 2:30 से 4:30। आयोग ने अभी सभी DM को से 17 अक्टूबर तक 480 और 384 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता वाले केंद्रों की सूची की मांग की है। PCS 2024 के लिए कुल 5,00,000 अभ्यर्थियों का पंजीकृत है। पूर्व में आयोग में 27 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का निश्चय हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सेंटेंस गलत है, यहाँ लिखा है 27 निश्चय हुआ था, फिर यहाँ पे कहते हैं 26-27 को हुआ, तो सब सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं, जरूरी नहीं जो जिसने लिख दी तो सब गलत हो गया सही हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें मुद्दा ये है कि नॉर्मलाइजेशन आएगा, अभी हम जो नए लोग हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या नुकसान होने की संभावना है उसके विषय पर भी डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही में भाई जाहिर सी बात है 7 और 8 तारीख को यदि पेपर कराते हैं, देखिए एक होती है SOP, एक है इनका एक्ट 1985 का, ठीक है। अगर एक्ट में कुछ परिवर्तन होता है तो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी, ठीक है। और SOP में परिवर्तन ये लोग कर सकते हैं, जैसे 10 किलोमीटर वाला मैटर है उसको 15 से 20 किलोमीटर कर सकते हैं। और यही डिस्कस आज हमारा जो है उत्कर्ष भैया से भी डिस्कस भी हुआ था, उससे भी यही सारी चीज़ें चर्चा हो रही थी, तो हमें लगा कि भाई चैनल के माध्यम से हम अपनी कुछ अलग बातें रखें और मुख्य इन बातों पर फोकस करा करके आपको ध्यान कराया जाए कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं चीज़ों में। तो अब इसमें जो है आप सभी लोग देखें, मुद्दा यही है कि भाई जैसे अभी उपचुनाव है आगे, सरकार के हाथ में सारी चीज़ें हैं, है ना, तो जहाँ पे हैं वहाँ के कैंडिडेट से आप ये सारी चीज़ें अपील करें और सरकार के पास ये चीज़ें जानी चाहिए कि एक्चुअल में छात्र क्या चाह रहे हैं और छात्र की क्या समस्या है और वो समस्या होने पे छात्र को क्या क्या झेलना पड़ सकता है, और भाई ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। और साथ ही में यदि ये चीज़ें नहीं होंगी तो आने वाले समय में भाई अगर ऐसे नॉर्मलाइजेशन वाली सिस्टम गड़बड़ हो गया तो ऐसे वैकेंसी तो हमेशा फंसती चली जाएंगी ऐसे ही, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं, हालांकि जो बहुत पढ़े लिखे हैं ठीक है उनको बेनिफिट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं, जान रहे हैं क्या है कैसे क्या नहीं है। रही बात आयोग की, आयोग 7-8 दिसंबर को पेपर कराने वाला है और यही चीज़ें हैं,
और अंदर से कुछ जो भी सूत्रों से जो भी अपडेट होती है हम आप सभी लोगों के पास पहुंचा देते हैं। आइए बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में, किसको क्या समस्या होने वाला, क्या कैसे है सारी चीज़ें। अब जैसे नॉर्मलाइजेशन को एक प्रकार से हम समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है, जैसे हम ट्यूशन पढ़ने किसी गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं और सेम ही क्लास के 20 बच्चे यदि गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे हैं तो गुरु जी के यहाँ 10 ही बच्चे एक कमरे में घुस सकते हैं। 10 बच्चे एक दिन गुरु जी ने बुलाया, फिर अगले दिन 10 बच्चों को अलग समय पर गुरु जी ने अलग बुलाया। अब जिस दिन शाम में कोई बच्चा 5 से 6 पढ़ने गया होगा तो उस बच्चे को गुरु जी ने अलग प्रश्न दिया होगा, तो बच्चा बढ़िया से पढ़ के आया होगा, कर लिया होगा, है ना। और अगले दिन वाले बच्चे को गुरु जी ने अलग प्रश्न दे दिया, सेम ही टॉपिक दोनों क्लास में चल रही है, ठीक। और शाम वाले में हो सकता है गुरु जी के यहाँ नाश्ता वास्ता भी बना रहा हो, बच्चे ने खाया बढ़िया। दोपहर में जो बच्चा पढ़ने आया गुरु जी के यहाँ, अब तो उस समय कुछ बना नहीं खाने पीने के लिए, तो उसको उसका नुकसान हो गया ना। मतलब सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि एक ही पेपर के लिए 2-2 दिन की एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। अलग अलग पेपर बना के मिल जाएगा, है ना। तो ये सब समस्याएं झेलनी पड़ेंगी ना, इतने बड़े स्तर पर बड़े बैठे बैठे लोग हैं, इतनी छोटी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। अच्छा, दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समय लेने वाली, मतलब जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें परिणाम घोषित करने में देरी हो सकती है, जैसे छात्रों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल का मैंने आपको बता ही दिया, कठिन सरल का क्या कैसे हो सकता है। हाँ, तो इसमें जैसे छात्रों की जो वास्तविक योग्यता है ना, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है, और ऐसा भी होता है कि वास्तविक योग्यता से भाई जो आपके अंदर है उससे आपको थोड़ा सा कम नंबर मिलेगा, जो जिसके अंदर नहीं उसको उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध वाली बात हो गई, किसी से अगर हम आज के समय में जाके पूछेंगे कि पंडित जी मैंने ज़्यादा मेहनत करी और हमारे दोस्त ने कम मेहनत करी, उसको ज़्यादा नंबर मिल गया, मुझे कम नंबर मिल गया, तो भाई पंडित जी तो यही कहेंगे ना कि पूर्व जन्म का जो है चीज़ है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। या तो इसमें पूर्व जो भक्ति पूजा मानने वाले लोग हैं वो पूर्व जन्म को अपना एक कर्म मान लें, जिनका मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में वो गड़बड़ा जाते हैं, तो अपना भाई पूर्व जन्म का कर्म आप मान के चलिए जो विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पर, और जो नहीं करते हैं इन सब चीज़ों पर विश्वास वो यहाँ की कमियों को गिनाएंगे। ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी जब हमारे पास इतने ढेर सारे विद्यालय हैं, इतने ढेर सारे महाविद्यालय हैं, बताइए। असल में देखने में देखिए दूर का जैसे दूर का ढोल सुहावना वाली बात है, मतलब अपने उत्तर प्रदेश में इतनी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, यहाँ सेंटर नहीं बना सकते हैं और सब कुछ अपना ताकत जब दिखाना होता है शासन प्रशासन स्तर पर, कैसे लोग घुसे रहते हैं एकदम हर जगह, है ना। तो मतलब गजब की बात है, शब्द भी नहीं मैं पकड़ पा रहा हूँ, चुन में कहूँ क्या। तो बात हमने कह दी है और डेट एग्ज़ाम का आप सभी लोगों का पता चल गया है, तो आप लोग कृपया करके अब कोई उल्टा सीधा कमेंट मत करिएगा, जिनको नहीं पसंद है वो मत करें, अब तो कोई डेट वाली बात नहीं रहेगी। शुरू से लेके लास्ट तक आज तक एग्ज़ाम डेट की मैंने दिसंबर की वीडियो बना रहा हूँ, आज भी बना रहा हूँ, कहीं भी मैंने पलटी वीडियो नहीं बनाई है, वीडियो हो तो हमें भेज देना आप सभी लोग। और दूसरी चीज़, एक मैंने अपने लोगों से बात करी है, जो मेरे अपने ना है वीडियो ना सुने, वो चले जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं, ज्ञान देने की ज़रूरत है, आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञान मेरे पास है, और बहुत आप जिस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे स्तर लोगों को मैं ज्ञान भी देता रहता हूँ दिन भर, है ना। तो आप कृपया हमें ज्ञान देने की जरूरत बिल्कुल ना सोचें, समझें, हमें जो करना है हम करेंगे, चैनल हमारा है, हम इस पर अपने हिसाब से काम करें, कोई गलत काम ना करें, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कोई गलत जानकारी आपको ना दें, किसी की जो गोपनीयता है वो भंग ना हो हमारे चैनल माध्यम से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल माध्यम से सकारात्मकता, ऊर्जा और सटीक और सही जानकारी, साथ ही में टॉपर्स इंटरव्यू, मोटिवेशन वीडियो, हमारी तरफ से लाए गए तमाम कोर्स जो कि बहुत सस्ते दामों में आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ताकि हमारा लक्ष्य है कि हमारी तरफ से हमारे ओर से ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लोगों का चयन हो। तो जी दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अन्य वृत्ति विभाग से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों से मिस ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।